हेलो फ्रेंड, दिस इज गौरव। सो आज के टॉपिक में मैं डिस्कस करूंगा रिगार्डिंग द राउटिंग प्रोटोकॉल एंड देयर डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। ओके, सो अभी यहाँ पे जो मैं राउटिंग प्रोटोकॉल्स की बात करता हूँ, देयर आर मल्टीपल राउटिंग प्रोटोकॉल जो हम लोगों ने CCNA और NPA में पढ़ते या तो CCNA में पढ़ते। तो जैसे कि हम लोग जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स पढ़ते वो कुछ इस तरीके से होते, स्टैटिक, डिफॉल्ट, डायनेमिक। डायनेमिक के अंदर आता है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल एंड हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल। उसके अंदर भी है, जैसे कि डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल की बात करता हूँ तो उसके अंदर जिस राउटिंग प्रोटोकॉल का समावेश होता है वो है राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल, उसके बाद वर्जन 1, वर्जन 2 एंड IGRP राउटिंग प्रोटोकॉल। उसके बाद अगर मैं हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल या तो फिर एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल की बात करता हूँ तो उसके अंदर EIGRP का समावेश होता है। EIGRP के दो एडी वैल्यू कौन कौन से वो मैं डिस्कस करूंगा। उसके बाद अगर मैं लिंक सेट राउटिंग प्रोटोकॉल की बात करता हूँ तो उसके अंदर आता है OSPF एंड ISIS। ओके, सो इतने सारे राउटिंग प्रोटोकॉल है। अगर मैं AGP राउटिंग प्रोटोकॉल की बात करता हूँ तो उसके अंदर आता है BGP राउटिंग प्रोटोकॉल, बॉर्डर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। तो सबसे पहले हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या है। अगर किसी को एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस नहीं पता तो उसको सबसे पहले पता होना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या होता है। तो मैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस ये एक ट्रस्टवर्दीनेस वैल्यू होता है। अगर मेरे पास एक राउटर के ऊपर या एक टोपोलॉजी के अंदर मल्टीपल राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है तो ट्रस्टवर्दीनेस वैल्यू इन द सेंस, जैसे कि स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि मेरे पास टोपोलॉजी जिसके ऊपर स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है, EIGRP भी चल रहा है इंटरनल, और उसके बाद में OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल भी चल रहा है। तो अगर मुझे एक डेस्टिनेशन के जाने के लिए, एक डेस्टिनेशन के पास जाने के लिए अगर मेरे राउटिंग टेबल में स्टैटिक, EIGRP और OSPF तीनों प्रोटोकॉल वर्क करते हैं तो कौन सा वाला पाथ प्रेफर करेगा। ओके सर, दिस वन इज अ बिग क्वेश्चन। तो सबसे पहले ये हमेशा डिपेंड करता है AD वैल्यू के ऊपर। AD इज द एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, जिसका लोएस्ट AD वैल्यू रहेगा वो पाथ प्रिफरेबल रहेगा। जैसे कि यहाँ पे मैं स्टैटिक का AD वैल्यू देख रहा हूँ यहाँ पे है 1, तो ये वाला पाथ प्रिफर करेगा। अगर इलेक्शन होता है EIGRP इंटरनल और OSPF के बीच में तो ऑब्वियसली EIGRP ही पाथ प्रिफरेंस करेगा, बिकॉज उसका AD वैल्यू 90 है और SPF का 110। जैसे कि मैंने बताया, लीस्ट AD वैल्यू वही पाथ प्रिफरेंस करेगा। ठीक है, तो यही कंसेप्ट है AD के बारे में, मैंने शॉर्ट में बताया। इसके बारे में और डिटेल में आप पता कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे जो मैंने राउटिंग प्रोटोकॉल्स बताया उसके बारे में हम लोग देख लेते कि AD वैल्यू कौन कौन सा है। सबसे पहले कनेक्टेड, कनेक्टेड इन द सेंस अगर मैं टोपोलॉजी कनेक्ट करता हूँ, अगर मैं राउटिंग प्रोटोकॉल भी नहीं चलाता हूँ तो जब भी आप शो IP राउट चेक करोगे तो आपको कनेक्टेड राउट्स दिखेंगे जो डायरेक्टली आपके इंटरफेसिस के साथ कनेक्टेड रहेंगे। उस पर्टिकुलर नेटवर्क के लिए जो AD वैल्यू रहता है वो होता है 0। काफी सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं रहता है, लेकिन स्टिल पता कर लो, उसका AD वैल्यू 0 रहता है। सेकंड इज द स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल, उसका AD वैल्यू 1 होता है। अगर आप शो IP राउट चलाते हो तो आपको वहां पे AD वैल्यू भी देखने को मिलेगा। ओके, BGP राउटिंग प्रोटोकॉल, BGP राउटिंग प्रोटोकॉल में 2 AD वैल्यू होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सटर्नल BGP, एक्सटर्नल BGP मतलब इस BGP के अंदर भी कंसेप्ट है कुछ, इंटरनल BGP एंड एक्सटर्नल BGP। तो एक्सटर्नल BGP बॉर्डर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, इसका AD वैल्यू है 20। ठीक है, और इंटरनल BGP, इसका AD वैल्यू है 200। ओके, यहाँ पे ध्यान रखना BGP राउटिंग प्रोटोकॉल के 2 AD वैल्यू है। ठीक है, अगर कोई राउट्स एक्सटर्नल से आ रहा है मतलब बाहर से आ रहा है तो वो 20 से शो करेगा राउटिंग टेबल में, और जो राउट्स इंटरनल BGP से आ रहा है वो 200 से शो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग IGRP राउटिंग प्रोटोकॉल। हालांकि IGRP राउटिंग प्रोटोकॉल अभी काफी कम पब्लिक यूज करते हैं, हालांकि मैंने तो अभी देखा ही नहीं है, लास्ट 3-4 साल में तो कोई यूज ही नहीं कर रहा है। लेकिन एनहांस इंटीग्रेटेड गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल जो IGRP का एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है। ठीक है, सो इसको एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल भी बोलते हैं, कुछ बुक्स में उन्होंने हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल भी बोला है, तो बोथ आर सेम, तो उसमें कंफ्यूजन ना रखो। इंटरनल अभी यहाँ पे EIGRP ये राउटिंग प्रोटोकॉल की बात करता हूँ तो इसके भी 2 AD वैल्यू है। इंटरनल EIGRP इसका AD वैल्यू है 90 और एक्सटर्नल EIGRP इसका AD वैल्यू है 170। मतलब अगर मेरे पास कोई राउट से जो बाहर से आ रहे हैं तो 170 से दिखेगा। ठीक है, बाहर से इन द सेंस रिडिस्ट्रीब्यूशन होकर अनदर राउटिंग प्रोटोकॉल से आ रहे, या तो फिर मेरे पास इंटरनल राउट से वो 90 से दिखेगा। नेक्स्ट थिंग IGRP राउटिंग प्रोटोकॉल, उसका AD वैल्यू 100। जैसे कि मैंने बताया IGRP राउटिंग प्रोटोकॉल काफी कम यूज होता है आजकल के प्रोडक्शन में। नेक्स्ट थिंग इज द OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल, लार्जेस्ट नेटवर्क के लिए OSPF इज वेरी गुड प्रोटोकॉल, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, इसका AD वैल्यू 110 है। अगर इंटरनल राउट या एक्सटर्नल राउट कोई भी रहेगा उसका AD वैल्यू 110 ही दिखाएगा।
उसके बाद ISIS प्रोटोकॉल, इसका एडी वैल्यू 115 है, ये भी लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल में ही कंसीडर होता है। उसके बाद राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, उसका एडी वैल्यू 120 है, ये भी ऑलमोस्ट मार्केट में भी कोई यूज नहीं करता है। नेक्स्ट थिंग एक्सटर्नल ERP और इंटरनल BGP के बारे में बता ही दिया मैंने। नेक्स्ट थिंग ये भी इम्पोर्टेंट है, काफी सारे लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि अगर सपोज दैट अगर मेरे पास अननोन प्रोटोकॉल है तो उसका एडी वैल्यू 255 होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें रखो। आई नो कि काफी सारे लोग ये जो प्रोटोकॉल जो मैंने हाईलाइट किया स्टैटिक टू इंटरनल BGP यहाँ तक अवेयर रहते हैं, लेकिन कनेक्टेड और अननोन के बीच में थोड़ा बहुत उनका कंफ्यूजन रहता है, या तो उनको लगता है कि इसका एडी वैल्यू है ही नहीं। बट ये थोड़ा सा आप इसको पॉज करके लिख भी सकते हो या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सो बस इतना ही। सो दिस इज ऑल अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। सो थैंक यू सो मच। अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, मैं और भी नए नए वीडियोज लेके आने वाला हूँ। सो थैंक यू सो मच।